वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ट्रेंडी है, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक बार मैं अपनी जो ज्वेलरी मैंने मीशो से लिए हैं उसे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। और हाँ, वीडियो को आप लोग जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें बिना स्किप के, क्योंकि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। ये बता रही थी कि जो मीशो है वहाँ से मैंने इसलिए इतने सारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं परचेस किए हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे सब कुछ थोड़े कम रेट में मिल गए और मुझे सही मिले, इसलिए मैंने वहाँ से परचेस किए। तो मैंने जो इस बार ज्वेलरी लिया है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर लूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड दिखाऊंगी, ये मेरा काना भी है, रखूँ तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ली है, रिंग्स भी लिए, इयररिंग्स, नेकलेस, बहुत कुछ लिया है, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो, कि मीशो क्या है। मीशो जो है वो इंडिया का नंबर वन रिसेलिंग ऐप है। आप वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट आप खुद के लिए भी बाय कर सकते हैं एंड रीसेलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो बेझिझक लो, क्योंकि यहाँ पे आप रिफंड भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर डिलीवरी में एक दो दिन डिले हो रहा तो उससे कोई बात नहीं, एक दो दिन तो कहीं भी हो ही जाता है। तो बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि दी हम जो ऑर्डर कर रहे हैं तो बहुत डिले हो जा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आप लोगों को पता है कि टाइमिंग कैसा चल रहा है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो इधर उधर हो ही जाता है। तो मीशो ऐप का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो आपको 20% ऑफ या 100 रुपीज़ का तो फर्स्ट परचेस पे ऑफ डेफिनेटली मिलेगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लें अगर डाउनलोड नहीं किया है तो। एंड मैं आगे एक वीडियो ऐड कर रही हूँ जिससे आप लोगों को अगर नहीं आता है तो मीशो से कैसे शॉपिंग करते हैं वो कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको पता है तो उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं थोड़ा सा। मीशो ऐप ऑन करते ही आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा, जहाँ आप इसको स्क्रॉल कीजिए इस पेज को, या फिर कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमें ज्वेलरी अगर लेना है तो मैंने सोचा ज्वेलरी पे सेलेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये जो कंगन दिख रहा है, बैंगल्स, ये मुझे पसंद आ रहा है तो इसको देखती हूँ। फिर इसको स्क्रॉल किया, इसमें जो भी डिज़ाइन है सबको मैंने देखा, फिर मुझे जो पसंद आया उसको मैंने ऐड टू कार्ट किया। इसको मैंने ठीक से पहले देखा था, फिर ऐड टू कार्ट करने के बाद उसे चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद साइज़ सेलेक्ट किया, मुझे साइज़ 2.6 चाहिए तो वो सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दिया। फिर उसके बाद पेमेंट मेथड जो है वो हमारे सामने आएगा, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी और पेटीएम। तो मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना है तो मैंने उस पर क्लिक किया। फिर उसके बाद होता है कि जो आपको खुद के लिए लेना है तो जितने का है वो हम रेट डाल देंगे 1001, और नहीं तो अगर हमें रीसेलिंग के लिए लेना है तो हम अपना मार्जिन डाल के इसको रख सकते हैं 1150। लेकिन ये मुझे खुद के लिए लेना है तो मैं इस पर 1001 ही डालूँगी, मार्जिन कुछ नहीं रखूँगी, और फिर उसके बाद प्रोसीड कर दूँगी। और अगर हमें इस प्रोडक्ट को किसी के साथ शेयर करना है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करके इमेज और डिस्क्रिप्शन शेयर कर सकते हैं। तो हम ज्वेलरी का अपना वीडियो मतलब फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो पहली जो ज्वेलरी है मेरी वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मतलब जो भी ज्वेलरी आई है मेरी ऐसे बॉक्स में आए हैं, सारे बॉक्स में ही, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे रैप करके भेजा कि टूटे ना। और हाँ, एक और बात बताना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो बाय चांस डिलीवरी के टाइम पे वो टूट जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है उसमें, तो आप उसको रिफ़ंड कर सकते हो। उसकी फ़ोटो बस दो क्लिक करनी है और आप रिफ़ंड में डाल दो, वो आएंगे, कुछ भी नहीं आपसे पूछेंगे, चुपचाप वापस लेके जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ एक प्रोडक्ट के साथ ऐसा हुआ था तो उसे मैंने ऐसे रिफ़ंड किया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मेरा ये चौकर सा है, नेकलेस है, चौकर ही बोलेंगे इसे। हाँ, ये इसमें आप लोगों ने देख के बहुत बार मुझे पूछा था कि दी आपने ये इयर रिंग्स कहाँ से लिया है। ये यही है ना वो इयर रिंग्स जो मैंने ग्रीन साड़ी पे पहनी थी, तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि दी ये इयर रिंग्स कहाँ से लिया है, प्लीज़ आप हमें बता दो। तो ये ऑनलाइन है, मैंने मीशो से लिया है। तो ये इयर रिंग्स का है
आपने तो ये देख ही रखा है, नहीं देखा है तो वो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आ जाएगा, तो आप देख लेना। और इसका सबसे प्यार पता है कि बहुत ही ट्रेंडी है, मैंने ये लिया है ये चौकर, बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा पीस लगा मुझे। एक्चुअली जब ये मैंने जिस मॉडल को देखा पहने हुए, उसने प्लेन ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके साथ ये पहन रखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखो कैसा लग रहा है, ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, बहुत ही ट्रेंडी लग रहा है। इसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा पहला पीस था जिसके साथ ये इयररिंग्स है, बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड जो मेरा नेक्स्ट है, वो एक रिंग है, ये भी एक छोटा सा रिंग ऐसे बॉक्स में दिया उन्होंने, सब कुछ बॉक्स में दिया है और उसके अंदर ये था, इसमें था, इसको मैंने यूज किया, आपने देखा होगा किसी फोटो में, ये है वो रिंग, ऐसे देखिए चलेगा। और मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैं भी कंफ्यूज थी, इसमें जो भी आपको वहाँ से रिंग आ रहे हैं ना, उसके लिए तो ये साइज जो है फ्री साइज है, आप इसे छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, आप पहन सकते हो। देखो कितना अच्छा सा लग रहा है, प्यारा सा, तो ये रिंग मुझे काफ़ी पसंद आई थी, ये छोटे बड़े सब है इसमें, तो मुझे इनके रेट ध्यान नहीं है, बट मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कौन सा कितने का है, बट इसका ध्यान है मैं बता रही हूँ ये 350 का है, और 350 में आपको किसी और भी स्टोर से या कहीं और से ये नहीं मिलेगा, आपको ये 500 में मिलेगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे मीशो से ले लें, एंड इसका नहीं ध्यान है इसका बताऊँगी मैं, स्क्रीन पर दे दूँगी, 200 के आसपास का है, तो इसको मैं स्क्रीन पर आपको दे दूँगी। नेक्स्ट जो है मेरा, वो मैंने ये कुछ ये बैंगल मंगाया था, जो बिल्कुल प्योर गोल्ड सा लग रहा है, शायद पिक्चर में आप लोगों को वीडियो में थोड़ा सा कलर अलग लग रहा होगा, बट ये बहुत ही मतलब फाइन है, इसका जो भी है जो ये प्रोडक्ट मटेरियल, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत सही लगा था इसलिए मैंने ये ले लिया था। एक्चुअली ये मैंने खुद के लिए नहीं लिया है, ये किसी और के लिए मंगाया है, तो इसका भी मैं स्क्रीन पर रेट बता दूंगी, आप लोग देख लेना, ये आप दो दो करके ऐसे पहन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपके हाथ में, तो इसे एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। इसके साथ पता है मुझे अच्छा क्या लगा, ये मुझे वहाँ पे दिखा नहीं था कि इसके साथ और भी कुछ है, बट मुझे एक फ्री में गिफ्ट मिला जो मुझे बहुत पसंद आया, इससे ज़्यादा वो पसंद आया, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका भी रेट मैं आप लोगों को, इसका भी जो रेट है मैं आप लोगों को दिखा दूँगी स्क्रीन पर, आप वहाँ देख लेना। एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मीशो का कोई भी प्रोडक्ट है, उसका पहले भी बताया अभी भी बता रही हूँ कि लिंक नहीं होता, उसका प्रोडक्ट कोड होता है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल प्रॉपरली इसका जो प्रोडक्ट कोड है मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना और बाय कर लेना। तो मैं बता रही थी कि इस बैंगल के साथ जो मुझे गिफ्ट मिला है वो है ये एक प्यारा सा ब्रेसलेट, जो बहुत ही यूनिक सा प्यारा सा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इस हैंड में देखो कुछ नहीं पहना अभी, तो ये देखने के बाद आपको मन करेगा कि हाँ चलो ये इसे तो ले ही लेते हैं, और कुछ नहीं तो उस बैंगल को इसी के लिए ले लेते हैं कि ये भी मिल जाएगा। आप ये देखो अच्छा लग रहा है ना, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। एंड जो नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैंने लिया एक और रिंग है, ये भी बहुत ही प्यारा सा है, प्यारा सा, ये देखो ये ऐसा है, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगी कैसा, दो इसमें पर्ल लगे हुए हैं और साइड में स्टोन है, इसका पर्ल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टूटने का डर है, बट पता नहीं है, फ्री साइज है, ये भी आप आराम से पहन सकते हो, ले सकते हो, ये भी बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही यूनिक सा पीस है, आप पास से एक बार देखो, आपको ये जरूर पसंद आएगा और आप एक बार जरूर इसे लेना चाहोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे कब से चाहिए था, थोड़ा सा हैवी है बट मुझे बहुत सही लगा था इसलिए मैंने ले लिया था। नेक्स्ट किसी फंक्शन में आप लोग या पूजा या कुछ भी हो उसमें आप लोग देखोगे मेरा ये झुमकी पहनते हुए, ये मुझे बहुत पसंद है, पास देखो कितना अच्छा सा प्यारा सा ये वाला, मुझे इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे गोल्ड में भी यही पसंद है, ऐसा है कि ऊपर का जो टॉप्स हो थोड़ा बड़ा सा हो, नीचे छोटा सा झुमकी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने और कहीं देखा था तो मुझे नहीं मिला था और ये यहाँ पर मुझे सही रेट में मिल गया, तो मैंने इसे ले लिया, मुझे बहुत पसंद आते हैं, बीच में स्टोन लगा हुआ है, ये साइड में पर्ल लगा हुआ है और गोल्डन कलर का है, ये थोड़ा सा इसका गोल्डन कलर मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, जैसा दिख रहा है ऐसे ही थोड़ा, मतलब बिल्कुल जो गोल्ड होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा इससे ये अलग है, बाकी ये बहुत ही प्यारा पीस है, साड़ी पे गाउन पे मैं स्पेशली मैं इसे साड़ी पे पहनूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो नेक्स्ट है वो मेरा बैंगल है,
बैंगल, तो वो मैंने मंगाए हैं मेटल के बैंगल्स, वो मुझे इसमें ऐसे मिला है और ये ऐसे कुछ मिला है, मैंने इसे खोल के पहन भी लिया है। ये मेरे ख्याल से 36 चूड़ियाँ हैं, 3 दर्जन है ये, और ये बहुत ही प्यारा है। इसमें इसको किसी, आप ऐसे भी पहन सकते हो, कोई साड़ी वगैरह पहनो उसमें ऐसे भी पहन सकते हो, एंड आप किसी और चूड़ी जो उसका मैचिंग का सेट भी बना सकते हो इसके साथ। तो मैं एक बार पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने लिया था। डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये लिया। इसका भी रेट मैं आप लोगों को बता दूंगी, कुछ ज़्यादा का नहीं है ये, 3 दर्जन बहुत ही सही रेट में मिल गया था। आई थिंक कितने में मिला था, 160 या 180 का आया है ये। एंड जो नेक्स्ट है मेरा प्रोडक्ट, वो मैंने लिया है ये जो इस बॉक्स में आया है, मुझे इस बॉक्स में रिसीव हुआ है। मैं आप लोग बता रही हूँ कि देखो इसमें थोड़ा सा रेट जो है, जितने भी मैंने आपको ज्वेलरी दिखाया उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा रेट का था। जैसे क्या बोलते हैं, महारानी हार टाइप का जो साउथ लुक लेते हैं, साउथ की जो सिल्क साड़ियाँ पहनते हैं, उसमें ये वाला जो हार है, नेकलेस है, ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो उसका लुक प्रॉपर उधर का साउथ का आ जाता है, तो इसलिए मैंने मंगाया। बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरे पास अधिकतर साड़ियाँ जो है सिल्क की है, तो मुझे ऐसा लुक लेना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये मंगाया। और इसमें रेट लगा था, तो इसको बॉक्स भी कितना अच्छा दे रखा है, ऐसा नहीं कहीं भी रैप किया और कैसे भी भेज दिया, नहीं, इसका बॉक्स बहुत अच्छा है। उसके बाद इसमें डाला इसको, एक बार मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। इसका जो डिज़ाइन है ना, वो मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, मोर वाला, ये पास से देखो, मतलब ये एकदम बिल्कुल लोकल सा, चीप सा नहीं लग रहा मुझे। इसका मटेरियल भी बहुत पसंद आया और इसका डिज़ाइन भी बहुत पसंद आया। ये जो झुमकी है वो भी मोर स्टाइल में, आप देखो यहाँ पे बिल्कुल पर्ल नीचे लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा सा पीस है ये। तो मुझे ये इसका झुमकी भी बहुत पसंद आया था, और बात इनसे ही करनी चाहिए थी, बट मैं एंड इससे कर रही हूँ। दिखाया था मैंने स्टार्टिंग में ये, तो मैंने एक ये मंगाया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, लड्डू गोपाल, बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इन्हें मंगाया। बिकॉज मैं शुरू से ही इन्हें अपने पास रखी हूँ, हमेशा इनसे ही, शादी से पहले भी मुझे पसंद थे, अभी भी मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने एक पीस ये मंगाया है। निकली इनको अपने पास रखोगे ना, आपको डर नहीं लगेगा किसी चीज़ से, आपको ये हिम्मत देंगे हर सिचुएशन से लड़ने की, बहुत अच्छे लगे। कान हाजी, तो जो मैंने भी आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई वो आपको कैसा लगा, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग, और अब आगे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग है, तो ब्लॉग देखना है मेरे फैमिली ब्लॉग, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि बेल आइकन आप दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।